गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर स्मृति अग्रवाल स्मृति सी स्वास्थ्य चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे घुटनों के दर्द के बारे में। घुटनों का दर्द कई कारणों से होता है, जिसमें आते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गठिया, बुरसा या लिगामेंट जो कि घुटने के आसपास होते हैं उनमें का डैमेज हो जाना, या फिर टेंडिनाइटिस या कई किसी वजह से चोट लग जाना। ये सब घुटनों के दर्द के कारण हैं। ये दर्द कम से धीरे धीरे ज़्यादा होने लगता है, और साथ में इसमें अगर आपके पास लालिमा और स्वेलिंग दोनों हैं तो आप इसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करें। आज मैं आप लोगों से प्राकृतिक और घरेलू उपाय के बारे में डिस्कस करूंगी। हम प्राकृतिक और घरेलू उपाय के द्वारा भी अपने दर्द में कुछ हद तक राहत पा सकते हैं। चलिए आज डिस्कस करते हैं। घरेलू उपाय में सबसे पहला थेरेपी होता है मैसेज थेरेपी, यानी वहां पे मालिश करना। मालिश करने से क्या होता है, वहां का जो संचलन और सूजन कम होता है, जिससे हमारे दर्द में हमें मदद मिलती है। साथ में वहां अगर आप डेली मसाज करते हैं तो वहां की कठोरता कम होती है, जिससे भी दर्द में राहत होती है। आप जो जिस हिस्से में आपको दर्द है वहां पे आप नारियल तेल, सरसों का तेल, जैतून का तेल, लहसुन का तेल और अरंडी के तेल से डेली मसाज करेंगे तो आपको बहुत हद तक अच्छा फील होगा। दूसरा, गर्म और ठंडे बैग की थेरेपी, यह भी बहुत ही फायदेमंद होती है। इसमें जो गर्म बैग होता है वह आपके दर्द को कम करता है, रक्त प्रवाह को बढ़ाता है और आपके जो मांसपेशी और जो लिगामेंट है उनके दर्द को भी कम करने का कार्य करता है। और जो कोल्ड थेरेपी होता है वो आपके सूजन को कम करने का कार्य करता है। इसके लिए आपको करना है कि गर्म और ठंडे दोनों बैग को किसी कपड़े से लपेट लें, डायरेक्ट उसे नहीं लगाना है हमें, और 3 मिनट तक पहले गर्म बैग रखें फिर ठंडा बैग 1 मिनट तक रखें, ऐसा इसे रिपीट करना है। किसी कारण से अगर वहाँ पे लालिमा या जलन जैसा महसूस हो रहा है तो आपको गर्म बैग नहीं रखना है, और अगर आपको सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो ठंडा बैग आपको नहीं रखना है। चलिए जानते हैं कुछ घरेलू उपाय। सबसे पहला मेथी, टेनगो सीड, ये बहुत ही फायदेमंद होता है। ये आपके जोड़ों के दर्द के लिए, इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है, साथ में एंटी इंफ्लामेटरी गुण भी होता है, यानी सूजन रोधी गुण भी होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही फायदेमंद है। आप इसे सुबह खाली पेट जरूर लें, आप चाहें तो इसे रात को भिगाकर सुबह इस मेथी दाना को यूज करें, या चाहें तो सुबह ऐसे ही गर्म पानी के साथ इसे गिटक सकते हैं। भिगाने से इसका ज़्यादा फायदा होता है। भिगाने के बाद अगर आप में कैपेसिटी है तो आप इसे चबाकर भी खा सकते हैं। दूसरा, हल्दी। हल्दी बहुत ही फायदेमंद होता है। हल्दी के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। हल्दी भी एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लामेटरी गुणों से भरपूर होता है। इसमें जो कैक्यूमिन होता है वो एबुप्रोफेन से उसकी तुलना की गई है, ये उससे भी अच्छी तरह से वर्क करता है। आपको डेली दूध हल्दी का पीना है। हल्दी वाला दूध पीने से आपको बहुत ही फायदा होगा। कोशिश कीजिए हाफ हाफ ग्लास दोनों टाइम हल्दी का दूध यूज करने की, जिससे आपके दर्द में धीरे धीरे बहुत फर्क पड़ने लगेगा। तीसरा, सेव का सिरका। सेव का सिरका बहुत ही फायदेमंद होता है। यह हमारे शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है, और साथ में ये क्षारीय गुण होने के कारण गठिया की रोगी के लिए भी बेनिफिशियल होता है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस भी पाया जाता है, जिसके कारण यह बहुत ही लाभदायक होता है। साथ में आप चाहें तो सिरका को 2 चम्मच रोज सुबह खाली पेट में गर्म आधा ग्लास गर्म पानी के साथ पिएं, इससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। और साथ ही इसे जैतून के तेल के साथ मिक्स करके जो इफेक्टेड एरिया है वहाँ पे मसाज करने से भी इसका बहुत फायदा होता है। सेंधा नमक होता है, वह भी बहुत ही बेनिफिशियल होता है। ऐसे रोगी जिनको घुटनों में दर्द होता है वो अपने नहाने के पानी में सेंधा नमक मिलाकर नहाएं। इससे क्या होगा कि जो मैग्नीशियम का अवशोषण होगा, मैग्नीशियम की कमी के कारण भी कई लोगों को
घुटनों में दर्द होता है तो यह उनके लिए बेनिफिट होता है। साथ में यह जो मैग्नीशियम होता है वह भी विषाक्त पदार्थों को आपके शरीर से बाहर निकालता है और दर्द में राहत दिलाता है। आप चाहें तो एक कप पानी में 2 चम्मच सेंधा नमक मिलाकर जो इफेक्टेड एरिया है उसको 10 से 15 मिनट तक वहां पे रखें, इससे भी आपको बहुत राहत मिलेगी। आपको हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार रिपीट करना है जब तक आपको आराम ना मिल जाए। नेक्स्ट है लहसुन। लहसुन भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। लहसुन में सल्फर और सेलेनियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है। जो सल्फर होता है वह जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करने का कार्य करता है और जो सेलेनियम होता है उसमें एंटी ह्यूमराइटिक गुण होता है और जितने भी जो गठिया की रोगी होती हैं उनमें सेलेनियम की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए यह बहुत ही फायदेमंद होता है लहसुन। लहसुन को आप अपने खाने में पक्के या कच्चे के रूप में जरूर इस्तेमाल करें। साथ में आप चाहें तो सुबह खाली पेट में 2 से 3 लहसुन की जो कलियां होती है उसे फाफ मार सकते हैं और अगर लहसुन की गंध से आपको प्रॉब्लम है तो उसके अल्टरनेटिव कैप्सूल्स भी आते हैं, आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके पीछे में बहुत सारे इंडिकेशन देखे रहते हैं, बहुत सारे गाइडलाइन देखे रहते हैं, उसको जरूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है। साथ में आप चाहें तो सरसों के तेल और जैतून के तेल को गर्म कर लें, उसमें लहसुन को डालकर उसे छानकर हल्का गुनगुना होने तक इस्तेमाल किए। इसमें यह है कि उसे जब लगाएं मसाज करें तो उसे 3 घंटे के लिए छोड़ दें, उसके बाद ही उसे पोछें। अदरक, अदरक भी बहुत ही बेनिफिशियल होता है। अदरक में भी एंटी इंफ्लामेटरी गुण होता है, एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है। साथ में अगर आपको किसी सर्दी खांसी की वजह से भी अगर कई बार पेन होता है तो उसमें भी यह राहत दिलाता है, तो अदरक बहुत ही आपके लिए फायदेमंद होता है। अदरक की चाय आप दिन में 2 बार जरूर पिएं। अदरक की चाय बनाने के लिए आपको अदरक का छोटा सा टुकड़ा को 1/4 कप पानी में अच्छे से उबालना है और साथ में उसे छानने के बाद में उसमें लेमन और हनी को ऐड करके उसे पीना है। आप दिन में 2 से 3 बार इसे पी सकते हैं। आप चाहें तो अदरक हल्दी और मेथी का कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं, इसे भी आप मिश्रण बनाकर यूज़ बराबर मात्रा में यूज़ करें और इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अदरक का जो सूखा हुआ जो सुंठी का पाउडर बोलते हैं वह भी आपके लिए फायदेमंद है। ये सब घरेलू उपाय हैं, आप सब देख रहे हैं ये सब हमारे घर में ऑलरेडी मौजूद होते हैं, बस हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा मौजूद चीज़ों को इस्तेमाल करना समझना है कि कैसे इस्तेमाल करने से वह हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। आशा करती हूँ कि आपके लिए ये जानकारी फ़ायदेमंद होगी और कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं जो मुझसे ये पूछ रहे थे तो उनके लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आप ज़रूर घर में ट्राई कीजिए और कहीं भी कोई भी असुविधा होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। राधे राधे। मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।